किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से गांवों में किसानों की दशा में उल्लेखनीय सुधार आएगा। उनकी जमीन और पैतृक मकानों के दस्तावेज जब उन्हें मिलेंगे तो इससे उन्हें एक मजबूत आर्थिक आधार उपलब्ध होगा। कृषि मंत्री कमल पटेल देश में नए कृषि कानूनों की जोरदार वकालत करते हुए कह रहे हैं कि इससे किसानों और उनकी उपज खरीदने वालों के बीच बिचौलियों का सफाया हो जाएगा और इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। कृषि मंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश में फसल बीमा योजना का व्यापक पैमाने पर लाभ किसानों को दिलाया जा रहा है। इसमें तमाम विसंगतियां दूर की गई हैं और अब किसानों को बीमा का अधिक लाभ मिल रहा है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश में किसानों की उपज सीधे विदेश निर्यात हो सके, इसके लिए भी ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मुख्यमंत्री रामचरण और आम किसानों के खेतों में मुख्यमंत्री खेत सड़क से खेत तक की सड़कें जोड़ देंगे ताकि किसान को खेती करने में सुविधा। किसान इस देश की आत्मा है, किसान इस देश की रीढ़ है। यह मजबूत नहीं होगी तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो किसान को आत्मनिर्भर बनाना होगा। इसीलिए मोदी जी ने ये स्वामित्व योजना लेकर आए और तीन कृषि कानून में संशोधन किए। ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। तो निर्यात करेगा, जैसे किसान आता है 4 रुपये किलो में उसने किया, व्यापारी क्या करता है उसकी ग्रेडिंग करता है। ए ग्रेड का माल वो 40 रुपये किलो बेचता है 4 में खरीद के, बी ग्रेड का माल 30 रुपये में बेचता है, सी ग्रेड का माल 20 में और डी ग्रेड का माल 10 में, यानी वो 400 में खरीद के और 2800 रुपये एक दिन में कमा लेता है। और किसान 3 महीने मेहनत करता है, खेत उसका, बीज उसका, दवाई उसकी, मेहनत उसकी, पूरा परिवार, बिजली का करंट उसको लगे, सांप बिच्छू मुर्गे का खतरा उसको, लेकिन उसको मिलता नहीं 2 रुपये भी। और इसलिए खेती घाटे का तिलक अब नहीं होगा ऐसा। और इसलिए मैं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।